जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष बनने पर यशवाल ठाकुर का सोलन में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वागत कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजयुमो जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने की। इस मौके पर ऑटो यूनियन के सदस्य विशेष रूप से उपस्थित रहे। यशपाल ठाकुर को जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भाजयुमो कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे और उन्होंने गर्मजोशी के साथ उपाध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर यशपाल ठाकुर ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और ऑटो यूनियन के सदस्यों का धन्यवाद किया। जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यशपाल ठाकुर ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने पर कसौली विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल का धन्यवाद किया और कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक के विकास के लिए वे बैंक के चेयरमैन योगेश भारतीय और अन्य निदेशक मंडल के साथ बैठक करेंगे और उनसे विचार विमर्श करने के उपरांत एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी ताकि बैंक का चहुमुखी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि जो भी बैंक के दोषी रहे हैं उनको लेकर भी विचार किया जाएगा। कल मेरे को जोगिंद्रा बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया जिसमें कसौली निर्वाचन क्षेत्र के हमारे विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे जोगिंद्रा बैंक का वाइस चेयरमैन बनाया। उसके उपलक्ष्य में आज जिला सोलन के हमारे जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर जी है उनकी टीम ने आज सोलन में मुझे बुलाया और इन्होंने यहाँ पर मेरा स्वागत किया। इसके लिए मैं युवा मोर्चा की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ ऑटो यूनियन के भी काफ़ी लोग यहाँ आए उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं डॉक्टर राजेश जी का करूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतना मान सम्मान दिया। के लिए जो हमारे चेयरमैन है योगेश जी उनके साथ बैठेंगे, सारे डायरेक्टर बैठेंगे, वो सारी रणनीति बैठ के बनाएंगे क्या कैसे करना क्या करना और कैसे करेंगे। वो पूरा बोर्ड बैठेगा, पूरा बोर्ड देखेगा कौन डिफॉल्टर है कौन कैसे है, वो बोर्ड में बैठ के सब कुछ हम फैसला लेंगे।